माहौल केवल स्मृति दीदी का है, केएल शर्मा का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और दीदी जो दीदी मैं हो गई है पूरी अमेठी, दीदी ने जिस तरह से भावनात्मक रिश्ता अमेठी के साथ बनाया है और अमेठी के लोगों की एक एक जन समस्याएं सुनी हैं और उनको दूर की हैं, तो इस वजह से दीदी के ही पक्ष में सारी महिलाएं हैं और आधी आबादी का हम लोग नेतृत्व करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक जो है पास हुआ तो उससे हम लोग को अब मौका मिलेगा संसद में भी बैठने का, विधानसभा में बैठने का, तो हम लोग बहुत खुश हैं दीदी से। और बहुत अच्छा विकास भी की हैं यहाँ पे, VIP पूरा लगने लगा है। आप बाहर से आइए देखिए, रोड चमचमाती रोडें बढ़िया, तो लगता है कहीं बड़े शहर में लखनऊ वगैरह में हम लोग रह रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि अमेठी हमारा परिवार है, जो KL शर्मा आए हैं उनका 40 साल से नाता है यहाँ अमेठी पर, उनका पूरा परिवार, उनकी बेटी, उनकी पत्नी जो है घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं, वो भी जो है अमेठी को भावनात्मक दृष्टि से जोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए वो कहती हैं अमेठी ने तो उनको 15 साल मौका दिया था, 40 साल का नाता था, तो कहाँ चला गया? नाता निभाना भी तो चाहिए कि नाता कहने से जो है बन जाता है। अगर हम कहें कि हमारा परिवार है, हमारा परिवार से कभी मिले जुले ना। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? कीर्ति सिंह। कीर्ति जी, कैसे देखती हैं चुनाव आ गए हैं, आप लोग वोट करने के लिए निकलेंगी, तो जो है कितना विकास हुआ है अमेठी में? बहुत विकास हुआ है, शिक्षा के मामले में और गरीबों के मामले में, और बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं दीदी से। सुविधाएं मिली हैं, हाँ। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है? मीरा जी। मीरा जी, ये बताएं कि चुनाव 20 मई को चुनाव है, तो आप लोग वोटिंग करने जाएंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगी, क्या लगता है? स्मृति दीदी को मैं मानती हूँ और वो जितना योजना निकाली है सब मिल रहा है, इसलिए उनको वो अमेठी से जीतेंगी। और मुझे गैस सिलेंडर मिला, मतलब सबको मिलता है। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम यहाँ के हैं, लेकिन जब कुछ किए ही नहीं, हम सब लोग जानते ही नहीं, तो जो करेंगे उसी को जानेंगे ना। अब स्मृति दीदी कर रही हैं तो मैं उसी को देख रही हूँ, उसी को जान रही हूँ, इसलिए मैं स्मृति दीदी को जिताऊंगी। जो हमारे बन पड़ेगा मैं उनके साथ रहूंगी। जो भी लाभ मिला है भाजपा से मिला है। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है? शालिनी पांडे। शालिनी जी, कैसे देखते हैं चुनाव आ गया है, अब अंतिम दौर में गुजर रहा है, एक तरफ से KL शर्मा है, दूसरे तरफ से स्मृति ईरानी है, क्या महिलाएं कैसे देखती हैं, किधर जा रही हैं? देखिए महिलाएं अगर सुरक्षित हैं आज, तो भाजपा सरकार के ही राज्य में सुरक्षित हैं। इसके पहले महिलाओं का निकलना बहुत मुश्किल था। अमेठी में वो गुंडागर्दी होती थी कि ठेले लगे रहते थे, रोडें गड्ढा नुमा थी, वहाँ बारिश होती थी, इतने पानी जमा हो जाते थे कि गड्ढे से पता नहीं चलता था कि रोड कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, लाइट हफ्ते वाइज चलती थी, और इसी अमेठी में राहुल गांधी आते थे और चले जाते थे, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता था कि यहाँ की पब्लिक कैसे रह रही। और कहते हैं कि हमारा दिली रिश्ता है अमेठी से, अमेठी से कैसा दिली रिश्ता, यही कि परेशान है जनता, जनता को छोड़ करके वायनाड भाग गए, वायनाड भागने के बाद फिर जो है रायबरेली भाग गए, क्या दिली रिश्ता है उनका। और स्मृति ईरानी ने 5 साल उनको मिले, 5 साल में 2 साल उनका कोरोना का पीरियड ले गया, 3 साल में उन्होंने जो विकास किया है, जो कांग्रेस ने 70 साल में कहूँगी, क्योंकि देश पर राष्ट्र कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा किया है, 70 साल किया है। राहुल और राजीव को जो मौका मिला वो अलग से अमेठी को मिला, लेकिन वो जो है अमेठी का आज अगर भाग्य बदला है तो स्मृति दीदी के हाथों से बदला है। आज बाईपास देखिए, जगह जगह सड़कें देखिए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का देखिए, और राशन और सुशासन शासन जो भी है वो बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ की जनता पूरा वोट और सपोर्ट अपना स्मृति दीदी को दे रही है। वो महिला होकर के इतनी जुझारू हैं हमारे लिए, रात दिन वो प्रयास कर रही हैं, थकती नहीं हैं, सोती नहीं हैं, चलती रहती हैं, अगर रात होती है तो मीटिंग भी अमेठी के लिए करती रहती हैं। उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है कि मुझे अमेठी को बहुत आगे ले जाना है, तो हम महिलाओं का भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका सहयोग करें और उनके साथ चलें और उनको प्रोत्साहन दें कि हम उनके साथ हैं और हमेशा हम उनके साथ हम लोग बने रहेंगे। अमेठी की जनता की मांग है कि स्मृति दीदी ही अमेठी में रहें। कोई भी नेता अमेठी में आकर के अपना घर नहीं बनाया, जो कहता है कि मेरा भावनात्मक रिश्ता है, मेरा गहरा रिश्ता है, अमेठी मेरा घर है, लेकिन स्मृति दीदी ने अमेठी में अपना घर भी बना के साबित कर दिया कि मैं अमेठी की हूँ, अमेठी में रहूँगी, अमेठी की जनता को आगे लेकर के चलूँगी, अमेठी का विकास करूँगी। उनका ये उद्देश्य है, उनका ये ध्येय है, तो हम सभी
स्मृति ईरानी के ही साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। हम राहुल राहुल को नहीं जानते, राहुल यहाँ से लापता हो चुके हैं, राहुल का कोई मकसद यहाँ के लिए नहीं रह गया है। राहुल को इस बार पता चल जाएगा कि राहुल और के एल शर्मा हैं क्या। के एल शर्मा को भी समय मिला था अमेठी, जब राजीव गांधी जी की हत्या के बाद के एल शर्मा ही अमेठी आए थे। के एल शर्मा ने क्या किया, उन्होंने अपने सांसद निधि का भी पैसा अमेठी में नहीं खर्च किया। इस तरीके से अमेठी का दुर्भाग्य रहा और सौभाग्य अगर आज है तो स्मृति दीदी के हाथों से है, तो इसलिए हम कहेंगे जय हिंद जय भारत। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ विकास, तीनों मुद्दा जो है, महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को इस सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसलिए भाजपा की तरफ इनका रुझान है। और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु गुप्ता है, मैं महिला। तो जो है बिंदु जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार चुनाव आ गए हैं, कैसे देखते हैं? इस बार चुनाव आ गया है, हम लोग जो है, हम ही नहीं, हमारी अमेठी की सारी जनता दीदी को ही चुन रही है, दीदी को भारी बहुमत से जिता रही है और मोदी जी फिर से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भी माता जी, अरे बोलिए तो क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अरे ठीक है बोलिए, क्या नाम है आपका? सुशीला सिंह। काफी उम्र हो गई, कितनी उम्र है आपकी? 75 के आसपास है। ये बताइए, आप सीनियर सिटीजन में आ गई हैं, पहले जो आप लोग जो आई थी यहाँ पर, तब की जो महिलाएं होती थी, अब में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? बहुत अंतर है भैया, महिलाएं अब बाहर निकल रही हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक आंगन के अंदर जो कहा जाता था कि महिलाएं डेहरी के अंदर रहती थी, तो अब क्या लगता है बदल रहा है? बहुत बदल रहा भैया। एक चीज़ से हमका सबका कष्ट है कि सुना पड़ रहा है कि सब जीत जाएंगे तो यहाँ पर दीवार उठ जाएगी क्रॉसिंग पर। अच्छा, तो हम सब लोग खेते कैसे जाएंगे? चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं। ये क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, कहाँ रहती हैं आप? गांव में, ककुआ में। अच्छा, ककुआ की रहने वाली हैं। तो ये बताएं कि स्मृति जी एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ केएल शर्मा हैं, कैसे देखती हैं, कौन जो है अमेठी की हक की, महिलाओं के हक की बात करता है? हमारी दीदी स्मृति ईरानी हमारी महिलाओं की सारी सुविधा दे दिए हैं और उनसे हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं। स्मृति जी से खुश हैं। और भी लोग हैं, कि आपका क्या नाम है? संगीता चौरसिया। संगीता जी, जो है स्मृति जी एक तरफ चुनाव में है, दूसरी तरफ केएल शर्मा है, चुनाव भी आ गया है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? क्या कहें सर, जो है हमको कहने में भी शर्म आ रही है, रोजी रोटी छिन गई है इनके राज में। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा गुप्ता है, मुझे उज्ज्वला गैस का लाभ भी मिला है और ये दीदी स्मृति सब महिलाओं को और जनता का बहुत बाईपास अमेठी में पहले नहीं था उसका करी है। और रोडों का पहले गड्ढे होते थे, सड़क पे निकलना मुश्किल होता, बच्चों का पढ़ने में दिक्कत होती थी, एम्बुलेंस या किसी को दिक्कत हो जाती है वो भी निकलने में पहुंच नहीं पाता था हॉस्पिटल। अब सब हो रही, रोडें एकदम चमक रही हैं अमेठी की, देखो तो बाईपास भी एकदम सुधर गया, बन गया है, विकास हुआ। हाँ, विकास हुआ है अमेठी का दीदी के उसमें। और भी लोग हैं, ये जो है पीछे हैं, क्या नाम है आपका? मीना सिंह। मीना जी, आप कैसे देखती हैं? हम बहुत अच्छे से देखते हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, जो हमको चाहिए उन्होंने दिया। पहली बात तो हम लोगों को सुरक्षा दी, जो हम लोग बाहर निकलने से डरते थे, बेटियों को ले जाके स्वयं जब ट्यूशन जाती थी हम लोग छोड़ने जाते थे, आज उसकी टेंशन नहीं है, सुरक्षा मिल गई। हम लोग को बहुत सुरक्षा मिली, हर तरह से सुरक्षा मिली है। और अगर बात की जाए तमाम योजनाएँ सरकार की चल रही हैं जो, उस पर क्या क्या लाभ मिला आपको? उज्ज्वला योजना चल रही है, या गैस सिलेंडर, जो महिलाओं की सबसे मूलभूत सुविधा होती है, पहले चूल्हे पर महिलाएं खाना बनाती थी, अब जो है सरकार कह रही है घर घर सिलेंडर हमने बांट दिया। हाँ, तो सिलेंडर का लाभ हम लोगों को मिला, हम लोगों को हर एक लाभ मिले हैं। किसकी हवा देखने को मिल रही है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। और भी एक बार जो है सबसे जानने की कोशिश करेंगे, किसकी हवा देखने को मिल रही है? स्मृति ईरानी की। किसकी हवा देखने को मिल रही है? स्मृति दीदी का। स्मृति दीदी की फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। और स्मृति ईरानी,
हर हर मोदी, घर घर मोदी, स्मृति ईरानी जिंदाबाद। दीदी अमेठी मांग रही मर्दानी, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। आप क्या कहेंगी? अब यही कहेंगे है उन्हीं का है वो जो है, लेकिन जो भी कुछ है ठीक है, ठीक ठीक, सब नेता से हम खुश हैं, बाकी भी बस दिक्कत वही चीज की। स्मृति दीदी जिंदाबाद।